हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कंचन प्रीत चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ मेरे साथ अमरकंटक। ये क्या हो क्या? जी हाँ, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ मेरे साथ अमरकंटक एंड वहाँ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। फ्रेंड्स, तो मैं घर गई थी कुछ टाइम पहले एंड मेरे घर के बहुत पास ही अमरकंटक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है नर्मदा नदी के उद्गम के लिए। मीन्स वहाँ से नर्मदा नदी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, मीन्स वहीं से निकलती है नर्मदा नदी। तो उसके लिए जो है अमरकंटक बहुत ज़्यादा फेमस है एंड अमरकंटक में आप उसके अलावा झील देख सकते हो, बहुत सारे पुराने पुराने टेम्पल्स देख सकते हो। मीन्स अगर आपको नेचर पसंद है तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए अमरकंटक। अमरकंटक जो है वो MP में आता है, तो मेरे घर से 2-3 2 and 3 hours आई थिंक लगा, तो हम लोग गए हुए थे घूमने के लिए। तो ये जो पूरा वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है कि हमने क्या किया, क्या क्या था वहाँ पे, बट मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। बट हाँ, छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड मैंने आप लोगों के साथ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। ये हम लोग आए हैं आज अमरकंटक, यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम है, यहीं से नर्मदा नदी जो है स्टार्ट होती है। देख सकते हो आप इतने सारे मंकी भी है यहाँ पे, कितना ब्यूटीफुल सा प्लेस है। ये कुंड है, नर्मदा कुंड बोलते हैं, और जो मेन जो जल निकलती है ना वो दिख रहा है आपको, ये जो मंदिर है ना, यहीं से जो है नर्मदा जी का जल निकलता है, वो धरती के अंदर से जल निकलता है और फिर वो बहते हुए पूरे इस तरीके से दिख रहा पूरा पानी पानी। ये पूरा आपको आगे भी दिखाऊंगी मैं, वो पूरा आपको दिखेंगे, एक बड़े से नदी में कन्वर्ट हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पे एक कहावत है कि जो लोग इससे ऐसा पार होते हैं ना उनका दिल बहुत साफ है करके, और जो लोग नहीं हो पाते हैं उनका दिल साफ नहीं, ऐसा एक स्टोरी है यहाँ पे। ये एक और जगह है अमरकंटक में, इसको हम लोग बोलते हैं दूध धारा। आप व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा क्यूट है पंछी।
देख रहे हो आप कितना प्यारा दिख रहा है, आगे जाके और ज़्यादा अच्छा दिखता है। दूध धारा, ये जो जल है यहाँ से आ रहा है पूरा पानी, इस तरीके से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखता है, खास करके बारिश के टाइम पे में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखता है। फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे से कैसे मिलोगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट।